कंपटीशन का फाइनल इवेंट शुरू होने जा रहा है, जो एक तरह का गैमाथॉन रिले होगा। ये गैमाथॉन शुरू होगा आर्चरी से। इसमें हर स्कूल का आर्चर अपने सामने रखे बोर्ड पर तीर फायर करेगा और तीर बुल्स आई को हिट करने के बाद ही, आई रिपीट, तीर बुल्स आई को हिट करने के बाद ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा उसका पार्टनर हर्डल रेस शुरू करेगा और वो जब फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा तो वहां उसका पार्टनर साइकिल के साथ तैयार होगा। जैसे ही वो अपने पार्टनर को ताली देगा, उसका पार्टनर साइकिल रेस शुरू करेगा। जैसे ही वो साइकिलिस्ट फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा तो वहां पे उसका पार्टनर सेट रेस के लिए तैयार होगा। अपने पार्टनर से ताली लेकर वो सेट रेस शुरू करेगा और फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा और वहां से शुरू होगी फाइनल रनिंग रेस। रनर अपने सेट रेस वाले पार्टनर से ताली लेकर रेस शुरू करेगा और जिस स्कूल का रनर सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा वही होगा इस गैमाथॉन रिले का विनर। तो दोस्तों, आईटी स्कूल और एबीपी विद्या मंदिर दोनों ही बराबरी पर है, इसलिए जो ये गैमाथॉन रिले जीतेगा ये चैंपियंस ट्रॉफी उसी की होगी। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम। सर विसल बच चुकी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मानव तुम भाग तो लोगे ना? हाँ सर, मैं दौड़ूंगा, मुझे रेस जीतनी है, मैं कैसे भी करके दौड़ूंगा। शाबाश मानव। मैं रेडी हूँ। मानव इस तरफ बेटा, ये मैं बिल्कुल रेडी हूँ। शाबाश शाबाश, ओके, बेस्ट ऑफ लक मानव। सारे पार्टिसिपेंट्स टारगेट बोर्ड पर निशाना लगाने को तैयार। और समोनी ने सबसे पहले बुल्स आई को हिट किया है और मानव को लीड मिल चुकी है, लेकिन वो बिना चश्मे के इस हर्डल रेस को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जीतेगा, ये जरूर जीतेगा। यस, आर्यन भाग। और इस तरह नीलांशी का तीर भी बुल्साई को हिट कर दिया है और आईपी स्कूल के आर्यन चड्ढा ने भी हर्डल रेस में दौड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन मानव की स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आर्यन चड्ढा बहुत ही आसानी से उसके आगे निकल जाएंगे। अब तो फास्ट भागना ही पड़ेगा, दिखे या ना दिखे, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सर, लास्ट तो निकला था, सर ने ठीक कर दिया।
एलपी स्कूल के केवल बहुत ही तेजी से फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ते हुए और आईपी स्कूल के विक्की भी उसके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच काफी रोमांचक रेस हो रही है। देखना यह है कि कौन पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचता है। और इसी के साथ एबीपी विद्या मंदिर के केवल फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने पार्टनर मोंटू को टैग कर दिया है। टैग मिलते ही मोंटू ने सेक रेस शुरू कर दी है। हार जा, विद्यों से बदला ले, फिर बालवीर कभी पृथ्वी लोक पे नहीं आएगा। आईपी स्कूल वाले स्टूडेंट सही कह रहे थे, मैं जीता तो मेरी हार होगी और मैं हार गया तो फाइनली जीत मेरी ही होगी। आईपी स्कूल के साइक्लिस्ट ने भी अपने पार्टनर को टैग कर दिया है, लेकिन तारीफ करनी होगी मोंटू की जिसने अभी तक लीड बना रखी है। लेकिन ये क्या, मोंटू अचानक गिर गए हैं और आईपी स्कूल का कंटेस्टेंट उनके काफी करीब आ चुका है। मंदिर के जीतने के चांसेस बिल्कुल कम हो चुके हैं क्योंकि आईपी स्कूल का कंटेस्टेंट फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। अरे इसे पिज़्ज़ा बर्गर दिखाओ तो उठेगा ये। मोंटू, मोंटू, मुझे गाली दे, हमें जीतना है, चल। मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थोड़ा बुरा जरूर हूँ, लेकिन मैं अपनी स्कूल के साथ चीट नहीं कर सकता। होगी क्योंकि अगर तुम ये रेस हार गई तो मेरा पृथ्वी लोक से और तुम सब से नाता टूट जाएगा। भागो मेहर, भागो।
क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही थी वो आज इस ट्रॉफी की विनर बन चुकी है। एबीपी विद्या मंदिर के पार्टिसिपेंट ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कांग्रेचुलेशंस एबीपी विद्या मंदिर। मेहर ये ट्रॉफी व्यवस्थापक महोदय को दो। हाँ। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। बच्चों वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आज आप लोगों ने हमारे स्कूल का नाम सच में रोशन कर दिया। व्यवस्थापक महोदय जी मुझे क्षमा कीजिएगा लेकिन ये वही बच्चे जिनको आपने खेलने के लिए मना किया। आप कह रहे थे कि इन सबको प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आप कह रहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब लेकिन खेलोगे कूदोगे तो जिंदगी होगी खराब। हमें हमारी गलती का एहसास है बालजी। जो विश्वास तुमने इन बच्चों में जगाया है वो हमें जगाना चाहिए था। हमें उत्साहित करना चाहिए था, हमें प्रेरित करना चाहिए था लेकिन हम अपना फर्ज चूक गए। बालवीर हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद हम हमेशा यही कहेंगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है और खेलकूद से बच्चों में आत्मविश्वास जागता है। yes! और इसीलिए आज के बाद स्कूल में पीटी का पीरियड रोज होगा और अगली इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन की तैयारियों के लिए फैसिलिटीज भी दी जाएगी और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.